आंगनवाड़ी कर्मियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर डीएम और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां उन्होंने जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और एडीएम अजय कुमार श्रीवास्तव को सौंपा। ज्ञापन के जरिए मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जगह आंगनवाड़ी कर्मचारियों के विभागीय प्रमोशन किए जाएं, पोषण ट्रैकर ऐप में ऑनलाइन फीडिंग की समस्याओं का उचित प्रशिक्षण देकर समाधान किए जाने की मांग की। जानकारी देते हुए आंगनवाड़ी एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष राधा रानी ने कहा कि आईसीडीएस विभाग में मुख्य सेविकाओं के रिक्त पदों और सीधी भर्ती करने से पहले सालों से लटके हुए आंगनवाड़ी कर्मचारियों के प्रमोशन किए जाएं। नियमानुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को मुख्य सेविका और सहायिका को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रमोशन किया जाए। साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन फीडिंग में आंगनवाड़ी कर्मियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो आंगनवाड़ी कर्मियों को इंटरनेट डाटा दिया है, ना ही ठीक से प्रशिक्षण। उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। देखिए, हमारी बेहद जायज मांगे हैं मेरी आंगनवाड़ी बहनों की, बरसों से लंबित पड़े हुए मुख्य सेविकाओं के पदों पर सरकार ने विज्ञापन 05 निकाल करके डायरेक्ट सीधी भर्ती करने का फैसला लिया गया है। लेकिन पहले ये नियमित था कि 50% आंगनवाड़ी बहनों को इसमें प्रमोशन दिए जाएंगे। मेरी बहनें बरसों से इस आस की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मुख्य सेविकाओं की भर्ती होगी और कब हमको प्रमोशन मिलेगा, और इसलिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। मेरी दूसरी मांग ये है कि जो ये पोषण ट्रैकर ऐप है, गवर्नमेंट ने डाउनलोड कराया है, ग्रामीण क्षेत्रों में नेट की भारी समस्या है, इस कारण बहनें काम नहीं कर पाती हैं और अधिकारी लोग उन पर काम करने का दबाव बनाते हैं। ना ही पोषण ट्रैकर ऐप के लिए कोई भी इनके लिए शुल्क दिया जाता है, ना ही डाटा का इंतजाम है, ना ही कोई सिम दी जाती है, और जबरदस्ती मेरी बहनों पर डाउनलोड करने के लिए और पोषण ट्रैकर में काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है। इसीलिए आज हमने ये ज्ञापन दिया है।